क्लास के आसपास कम से कम 5 गमले जरूर रखें, जिससे कि पर्यावरण और जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है लगातार, वो भी कंट्रोल धीरे धीरे हो जाएगी। अगर हम प्रत्येक प्रत्येक छात्र या प्रत्येक टीचर ये चाहे कि हम एक पेड़ लगाएं कम से कम, तो किसी की जरूरत नहीं है कि प्रकृति को सुधारने में कोई जरूरत नहीं पड़ेगी किसी की, हम अपने आप ही अपनी प्रकृति को सुधार लेंगे और जो वायु प्रदूषण हो रहा है उसको रोक लेंगे। सभी जानते हैं, हम वाहन भी चलाते हैं तो आसपास देखा होगा, हाईवेज हैं, सड़कें हैं बड़ी बड़ी, उनके आसपास पेड़ पौधे लगाते हैं। कोई बता सकता है क्यों लगाते हैं पेड़ पौधे? क्योंकि हमारे जो मोटर वाहन होते हैं उनसे अल्ट्रासोनिक वेव्स निकलती हैं। उन अल्ट्रासोनिक वेव्स और साउंड को कंट्रोल करने के लिए, और जो CO2 और कार्बन मोनोऑक्साइड होती है उसको कंट्रोल करने के लिए वहां पर हम पेड़ लगाते हैं। इसीलिए आप सभी से अनुरोध है, इस सप्ते जरूर एक पेड़ जरूर लगाएं, इस विद्यालय के प्रांगण में लगाएं, अपने घर पर लगाएं, ये पार्क पड़ा है पीछे, इसमें जरूर लगाएं। धन्यवाद। मैंने एक चीज देखी है कि जब ऊपर वाले विंग में तो सिर्फ सफेद दीवारें दिखाई देती हैं, क्या हम उन सफेद दीवारों को हरा भरा कर सकते हैं? क्या हम उनको रंग बिरंगा कर सकते हैं? आप और हम दोनों मिलकर कर सकते हैं। और वो कैसे? पहले तो जैसे संतोष सर ने आपको बताया है कि हर क्लास, और मेरा अनुरोध है क्लास टीचर से कि वो इनिशिएटिव ले इस चीज को, कि हर क्लास के आगे अगर 5 गमले हम शुरुआत करें, आप 5 गमले रखिए अपनी क्लास के आगे, और उन 5 गमलों में जो आप पौधे लगाएं, उन पौधों को ऐसे रखिए, इतना संभाल के रखिए, इतना उन्हें हरा भरा रखिए कि आपको ऐसा लगे कि ये मेरी अपनी चीज है, मेरी ऐसी अनमोल धन है मेरे पास में, जिसे मुझे बहुत संभाल के रखना है। ठीक है, क्या सब बच्चे एग्री करते हैं उन 5 गमलों के लिए? क्या वो 5 गमले कल आ जाएंगे? अगर क्लास टीचर ये इनिशिएटिव ले तो मुझे पूरा विश्वास है कि कल 5-5 गमले हर क्लास के सामने दिखाई देंगे। और फिर देखिए, हरा तो हमने कर दिया उसे, अब मैं कह रही हूँ रंग बिरंगा, आपकी क्लास की दीवारें बिल्कुल सफेद सफेद नीरस सी दिखाई देती है, लेकिन कितनी सफेद दिखाई देती है, क्या हम उसको रंग बिरंगा कर सकते हैं? कैसे? पेंट लाकर उसके ऊपर पेंट मार दो और गंदा कर दो उसको, उसके ऊपर हम क्या लगा सकते हैं दीवारों पर? चार्ट लगाते हैं। आप जितने चार्ट पेपर उस पे लगाएंगे, आप अपने हाथ से बनाइए, अपना नाम लिखिए और उनको चार्ट से भर दीजिए दीवारों को। आपको मैं बता रही हूँ, आप जो भी कोई चार्ट पेपर बनाकर लेकर आएंगे उसे आप रोज देखेंगे तो वो आपके मन मस्तिष्क में छप जाएगा और वो आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। ठीक है, तो मैं आशा करूं कि आप लोग सब कहना मानेंगे, और आप अपने क्लास टीचर से पूछिएगा कि मुझे कौन सा चार्ट बना के मैं लेकर आऊं। क्या आप शिक्षक हैं, छात्र हैं और विज्ञान संचारक हैं और चाहते हैं कि आपके स्कूल, आपके गांव और आपके शहर की खबर चले हमारे चैनल पर, और बनना चाहते हैं आप विज्ञान रिपोर्टर, तो संपर्क करें व्हाट्सएप पर 9358414442 या फिर मेल करें pvsuniverse@gmail.com पर। इस प्रकार की वीडियो या साइंटिफिक एक्टिविटीज से अपडेट रहने के लिए इस चैनल पर सब्सक्राइब कीजिए।